वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुन रहे हैं शरद चंद्र जी की मंझली दीदी। ये एक लघु उपन्यास है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मेरा ये वीडियो इसका आ चुका है। तो इसकी कहानी सुनने के लिए आप मेरा वो वीडियो ज़रूर सुने, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से है मंझली दीदी में। जैसा कि आपने देखा कि जो किशुन होता है, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी माँ का देहांत हो जाता है, और वो जो गांव का ही एक व्यक्ति होता है, वो उसको उसकी सौतेली बहन के पास, जिसका विवाह दूसरे गांव में हुआ होता है, थोड़ी संपन्न परिवार की होती है, उसके पास छोड़ आता है। पर उसकी जो बहन है वो किशुन से बहुत नफरत करती है, और वो उसको ताने देती रहती है, परेशान करती है। पर उसी की जो देवरानी है, जिसका जो जिसको मंझली बहू बोला जाता है, वो किशुन का बहुत ध्यान रखती है। और पीछे वीडियो में आपने देखा कि वो बीमार थी, किशुन उसके लिए अमरूद तोड़ के लेकर आया था, और मंझली के व्यवहार से किशुन, जो कि शांत था, बहुत सदमे में था, वो धीरे धीरे अब उस मंझली बहू से खुलना शुरू हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि उसकी जो बहन थी, किशुन की बहन का आक्रोश दिन प्रतिदिन उस बच्चे पे बढ़ता चला जा रहा था। वो उसके सौतेली माँ का लड़का था, निरुपाय और निराश्रित था। चाहते हुए बदनामी के डर से उसको घर से निकाल तो नहीं सकती थी, ना ही किसी को दिया ही जा सकता था, और रखना ही होगा तो जितने दिन उसके हाथ पाँव और देह चले, खूब कस के उससे कमवा ले। यानी उसे जितनी मेहनत करा सकती थी, वो कोशिश में थी, उतनी मेहनत उससे करवा ले। इसीलिए उसको उसने दुकान पर रखवा दिया, ताकि एक मज़दूर का काम कम हो सके और एक मज़दूर के पैसे कम हो सके। उसके लौट कर घर आते ही बड़ी बहन पीछे पड़ गई। क्यों रे किशुन, तू सारी दोपहर दुकान से भागकर कहाँ गया था? किशुन चुप रह गया। तब कादम्बरी ने बहुत बिगड़ कर कहा, बताना जल्दी। किशुन फिर भी चुप ही रहा। कादम्बरी उन लोगों में नहीं थी जिनका क्रोध किसी के चुप रह जाने पर शांत हो जाए, इसलिए वो कहलाने के लिए वो जितना भी जिद करने लगी, बात ना कहला सकने के कारण उसका क्रोध और झुंझुलाहट और बढ़ती चली गई। आखिर में गोपाल को बुलाकर उसने उसके खूब कान मलवा दिए, और रात में उसे खाने के लिए चावल हांडी में डाले ही नहीं। आघात कितना ही भारी क्यों ना, जब तक वो रोका नहीं जाता, लगता ही नहीं है। पर्वत के शिखर से गिरते ही हाथ पांव टूट नहीं जाते, टूटते केवल तभी हैं जब कठोर धरती उस वेग का प्रतिरोध करती है। किशुन के साथ भी ऐसे ही हुआ। माँ की मौत के ने जब से उसके पैरों के नीचे से ज़मीन छीन ली, कोई बाहरी आघात उसे आघात पहुँचाकर दूर दूर से नहीं कर पाता था। वो गरीब का बेटा था, लेकिन उसने कभी दुख नहीं भोगा था। गुड़ की झिगड़ी, झड़की, ये सब उसने कभी नहीं देखे थे, ना कभी सुनी थी। फिर भी यहाँ आते कादम्बरी का दिया हुआ कठोर दुख झेल ही रहा था, इसलिए उसके पाँव के नीचे कोई अविलंब नहीं था। परंतु आज उससे सहा नहीं गया। अब उसे हेमांगनी के मात्र स्नेह की दृढ़ वृत्ति का सहारा मिल गया था, क्योंकि हेमांगनी छोटी बहन, छोटी बहू थी, मझली बहू थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी माँ की तरह। इसलिए आज के अत्याचार और अपमान ने उसे एक बारगी व्याकुल कर दिया। माता पुत्र विवश असहाय किशोर का शासन करके, झिड़कियाँ देकर, अपमान और ताड़ना देकर, दंड देकर चले गए, और वो कहीं अंधेरे में धरती पर पड़ा। आज कई दिनों बाद माँ को याद करके मंझली बहन का नाम लेता हुआ फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि वो उसे प्यार बिल्कुल अपनी मंझली बहन की तरह करती थी। उसे बोल रखा था कि वो भी उसकी बहन ही है। किशन दूसरे दिन सवेरे ही चुपचाप हेमांगनी के कमरे में आया और उनके बिछौने पर पैताने की ओर बैठ गया, यानी पैर की ओर बैठ गया। हेमांगनी ने अपने पाँव ज़रा सिकोड़ लिए और स्नेह भरे स्वर में कहा, किशन दुकान नहीं गया? बोला, अब जाऊँगा। देर मत कर भैया, अभी तुरंत चला जा, नहीं तो वो महारानी अभी गालियां बकने लगेगी। किशन का चेहरा पहले लाल और फिर एकदम पीला हो गया। जाता हूँ कहकर उठकर खड़ा हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर हिचकिचा कर चुप हो गया। हेमांगनी ने उसके मन की बात समझ ली और पूछा, क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है?
कृष्ण ने धरती की ओर ताकते हुए अत्यंत कोमल भाव से कहा, कल से कुछ खाया नहीं है मंजली दीदी। कल से कुछ खाया नहीं? कृष्ण ये तो क्या कह रहा है। इसके बाद कुछ देर में हिमांगनी चुप रही और फिर उसकी आंखें भर आईं, आंसू झरझर बहने लगे। उसका हाथ पकड़कर पुनः अपने पास खींचकर बिठाते हुए एक एक करके सब बातें सुन ली और तब कहा, कल रात ही क्यों नहीं चला आया? कृष्ण चुप रहा। हिमांगनी ने आंचल से आंखें पोंछ कर कहा, अगर आज से तूने अपनी मरी हुई माँ की जगह नहीं समझा तो तुझे मेरे सिर की सौगंध है। उसी समय ये सब बातें कादम्बरी के कानों तक पहुँची। उसने अपने ही कमरे से मंजली बहू को पुकार कर कहा, भाई को मैं क्या खिला नहीं सकती जो तुम उसे गले पड़कर इतनी बातें कहने गई। बातों का ढंग देकर हिमांगनी के सारे शरीर पर आग लग गई, किंतु उसने जब्त करके कहा, यदि गले पड़कर भी मैंने कुछ कहा तो उसमें दोषी क्या हुआ? कादम्बरी ने उलट कर पूछा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर इसी तरीके का आचरण करूँ तो बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अब हिमांगनी से अधिक सहा नहीं गया, बोली, दीदी 15-16 साल तुम्हारे साथ गृहस्थी चला चुकी हूँ, मैं तुम्हें खूब पहचानती हूँ। पहले अपने लड़के को भूखा रखकर उस पर शासन करो, तब दूसरे के लड़के को अनुशासन में रखना, फिर गले पड़कर बात करने कहने नहीं आऊँगी। कादम्बरी अचंभित होकर बोली, मेरे पांचों गोपाल के साथ उसकी तुलना? हद हो गई, यह तो देवता के साथ बंदर की तुलना करने जैसी हुई। मैं तो यही सोचकर चकित हूँ कि इसके बाद तुम और भी न जाने क्या क्या भक्ति फिरोगी। मछली भाव ने उत्तर दिया, कौन देवता है और कौन बंदर यह तो मैं जानती नहीं, लेकिन अब और कुछ नहीं कहूँगी दीदी। अगर कहूँगी तो केवल यही कि तुम्हारी जैसी निष्ठुर और निर्लज औरत इस दुनिया में दूसरी नहीं है। और यह कहकर प्रत्युत्तर की अपेक्षा किए बिना ही हिमांगनी ने अपनी खिड़की के कपाट बंद कर दिया। उस दिन शाम होने के कुछ पहले यानी मालिकों के घर लौटने के समय बड़ी बहू ने अपने आंगन में खड़े होकर दासी को उद्देश्य कर उच्च स्वर में चिल्लाना आरंभ किया, जो रात दिन एक किए रहते हैं अब वे ही इसका निपटारा भी करेंगे। मां से अधिक दर्द मौसी को होने लगा है, अपने भाई का मर मैं नहीं समझती, समझते हैं पराए, कभी भला ना होगा यदि कोई भाई और बहन को आपस में लड़ाकर खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा, धर्म भी इस अनाचार को सह न सकेगा। सो कह देती हूँ, ये कहकर कादम्बरी भमकती हुई अपने रसोई घर में चली गई। देवरानी जेठानी में इस तरह की गाली गलौज कोसा कोसी और ये कई बार हो चुका था, लेकिन आज उसमें तीखापन कुछ ज़्यादा था। इसलिए हिमांगनी ऐसी बातें सुनकर अनसुनी कर जाती थी और सब कुछ समझ कर भी अपने मन पर नहीं लाती थी, लेकिन आज उसका शरीर अच्छा नहीं था इसलिए मन भी सहन नहीं कर सका और इसलिए वो उठकर खड़ी हो गई और बोली, बस इतना कहकर चुप क्यों हो गई दीदी? अभी शायद भगवान ने सुना नहीं होगा, दिया बत्ती की इस वेला में हमारे सर्वनाशी कामना कुछ देर और कर लो, जेठ जी घर आकर सुन लें, ये भी सुन लें, तब तक भक्ति रहो, अभी से थक कर हाँपने लगूंगी तो कैसे काम चलेगा। कादम्बरी उस समय झपट कर आंगन में आग खड़ी हुई और सिर ऊपर उठाकर चिल्ला पड़ी, मैंने क्या किसी सत्यानाशिनी का नाम भी लिया है? हिमांगनी ने बिना किसी उत्तेजना जवाब दिया, नाम तुम लोगी कैसे दीदी, नाम लेने के तुम्हारे भाग्य भी हो, लेकिन क्या तुम समझती हो कि इस दुनिया में अकेली तुम ही सयानी हो या बाकी सब बेकूफ़ बसते हैं? ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो, ये क्या कोई समझता नहीं है? यह सुनते ही कादम्बनी अपने असली रूप में आ गई, मुंह से घोड़ कर हाथ पांव नचा कर और दांत किटकिटा कर बोली, भले ही कोई समझता रहे मुझे, इससे क्या, जिसका दोष होगा उसी को बुरा लगेगा, और समझने वाली क्या अकेली तुम ही हो? मैं कुछ नहीं समझती, किशन जब आया था तो बिल्कुल भगवान की गाय था, 7 तमाचे खाकर भी चू नहीं करता था, लेकिन आज दोपहर को किसके जोर पर क्या जवाब दिया, सो ज़रा पूछ देखो ये प्रसन्न की माँ से। ये कहकर उसने उंगली अपनी दासी को दिखा दी। प्रसन्न की माँ ने कहा, हाँ मंजली बहू बात तो सही है, आज दोपहर को ही जब वो भात छोड़कर उठ खड़ा हुआ तो मालकिन ने कहा, अब इस भात को निगले बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा, तो इतना तेज किस लिए?
इस पर वो कह गया,